आपको मैं बताता हूँ, YouTube has 2.3 billion user all around the world. Even if we have 0.1% of this, you will have 2.3 million views on your YouTube. अगर आप इसका 0.1% भी ले लेते हैं ना, तो भी आपके चैनल पर 2.3 million views आ जाएंगे. और इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो भी 2.3 million सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे हो जाएंगे. YouTube सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल. लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं, लेकिन गूगल के बाद सीधे यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं. 2% बिजनेसेस यूज यूट्यूब एज अ मार्केट प्लेस. 62% यहां पर जितने ब्रांड्स हैं या बिजनेसेस हैं वो यूट्यूब पे आकर अपने सामान को बेचते हैं एड लगा लगा के. इतना हो गया पता है, 14,785 करोड़ रुपए कमाता है यूट्यूब एक साल के अंदर. अच्छा, यूट्यूब ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपको पता होगा, शॉर्ट्स में. जानते हो ना वो क्यों? क्योंकि क्रिएटर आए, उनको हम लोग पैसे दें, पैसे देंगे तो वो अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे. क्योंकि अगर आप देखोगे, देयर इज एन एक्सीलेंट ग्रोथ इन इंडियन यूजर्स एज वेल. अगर आप देखोगे 2017 में 212.77 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन बढ़कर कितने हो गए, 459.23 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं इंडिया में. आधा इंडिया, 135 करोड़ की जनता है, तो लगभग माने ना माने 70 करोड़ लोग YouTube को यूज कर रहे हैं. अब आप सोचो कि किस लेवल से. और फेमस यूट्यूबर्स आपको अच्छे से पता है, मैनी इंडियंस आर यू नो एप्टोमिस ऑफ यूजिंग यूट्यूब एज अ करियर. जैसे कि जरा देखो, कैरी मिनाटी कौन नहीं जानता है, अमित बड़ाना, भुवन बाम, क्या यूट्यूब एज अ करियर स्टार्ट किया जा सकता है? यस, यूट्यूब को एज अ करियर स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने कॉन्टेंट.